हेलो गाइस, वेलकम टू बाजार बुल ट्रेडर। तो आज मैं आपके लिए एक सैम्पल ट्रेड करने वाला हूं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं कैसे इसमें एक सैम्पल ट्रेड लूँगा, जिससे आपको पता लगेगा। हालांकि ये थोड़ी एडवांस है ऑप्शन बाइंग। इसमें आपको आने के लिए इससे पहले आपको सारे स्टेप जो है उसके कवर करना पड़ेंगे। आपको बेसिक इक्विटी शेयर्स में आपको जानना पड़ेगा। तो मैं आज बैंक निफ्टी में आपके लिए एक सिंगल लॉट में ट्रेड करने वाला हूँ, और आज मैं थोड़ा रास्ते में हूँ तो यहाँ पर सिंगल इंटरफेरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मैं अपने ब्रोकर ऐप खोल लिया है मैंने, और इसके बाद मैं ऑप्शंस में जाके अभी देखता हूँ। मैं इसमें से ही ऑप्शन यही वाला 44,000 की पुट है बैंक निफ्टी की, सिंगल लॉट 25 ही मैं बाय करूँगा। 50 शो कर रहा है, चलो मैं इसको रीचेक करता हूँ। हाँ, 25 आ गया। तो अब मैं इसको जो है बाय कर रहा हूँ। मार्केट मैंने देखा है कि मुझे मार्केट बेयरिश दिखाई दे रही है आज, और मार्केट का व्यू भी मेरा बेयरिश है क्योंकि ऊपर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है फिलहाल। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस के पास है अपने, तो ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट अभी नीचे ही गिरेगी। तो उसके लिए मैंने आपको एक इसमें बाय करके दिखा दिया है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम इसमें ये सिग्नल की हो रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा। देखिए, लोडिंग में टाइम लगा रहा है ये। एक्चुअली ये ट्रैवलिंग में मैं अवॉइड करता हूँ, बट हाँ, मुझे जल्दी निकलना था तो मुझे जो है ये करना पड़ गया, ताकि जो है आपके लिए एक वीडियो भी मुझे रेडी करनी है। तो इसलिए ट्रैवलिंग में ज़्यादातर ट्रेडिंग जो है आपको अवॉइड ही करनी चाहिए। इसमें काफ़ी सारी दिक्कत होती है, आपको रेट शो नहीं होते, आपका सिग्नल चला जाएगा तो आपने ट्रेड में आप फंस जाओ, आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो देखिए, मैंने ऊपर का एरिया जो इसमें स्टॉप लॉस मार्क किया है जो मेरा 50 पॉइंट्स का, नीचे का एरिया मेरा जितना है ये भी टारगेट में आएगा। तो हालांकि मुझे मालूम है आपका अगर सेटअप बढ़िया है और आप अच्छे से आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, चार्ट स्टडी कर लिए हैं, तो आपका सेटअप जो है आपको कभी लॉस नहीं देगा। तो फिलहाल ये मार्केट जब एंट्री हुई है मेरी, हालांकि सिग्नल की वजह से, तो ये इसमें मुझे थोड़ा सा लॉस शो कर रहा है, बट हाँ, मुझे अपने सेटअप पे भरोसा है तो ये इसको कवर करके नीचे आएगा वापस। फिलहाल मुझे मोबाइल से ट्रेड करना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है इसके अंदर। हालांकि देखिए, इंटरनेट कनेक्शन भी दिक्कत दे रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं लैपटॉप से ट्रेड करता हूँ, वहीं पर चार्ट स्टडी करता हूँ, वहीं पर सारी मार्किंग करता हूँ। तो अभी कुछ रेट इसका कम हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं 276.40 का मेरा एवरेज बाय है 25 शेयर्स के लिए। तो ये अमाउंट बनता है 276 का आपके 25 शेयर के हिसाब से, ये करीबन 6,910 रुपये का मैंने ये बाय करा है। और मैं इसमें एक स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग कि इसके नीचे जो है मार्केट अगर गई तो फिर मेरा मैंने लेवल्स जो मार्क किए हैं 226 का स्टॉप लॉस डाल देता हूँ 50 पॉइंट्स का। 276 से मैंने बाय किया है, तो करीबन इसका स्टॉप लॉस डाल दूंगा तो मुझे इवन नेटवर्क भी अगर इशू होगा तो मेरा सेल ऑर्डर लग जाएगा, उससे मुझे दिक्कत नहीं होगी नेटवर्क इशू में। तो मेरा टारगेट रहेगा, मैं ज़्यादा नहीं, छोटा सा सिंगल करके दिखा रहा हूँ जस्ट सैम्पल के लिए, 500 अराउंड 500 प्लस या 500 प्लस जो भी अमाउंट हमारे इसमें प्लस होगा हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि रास्ते में ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ट्रैवलिंग का टाइम है। इस टाइम पर अगर नेटवर्क चला गया तो आपकी ट्रेड अगर फंस के रह गई तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप कभी भी ट्रेड करें तो अपने घर से या कहीं अच्छी जगह ऑफिस वगैरह में बैठ के करें, जहाँ पे नेटवर्क का इशू ना हो, क्योंकि रास्ते में बहुत दिक्कत देता है। जस्ट सिर्फ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि कैसे हम ऑप्शन बाइंग में एक लॉट खरीदते हैं। इस चीज़ पर आने के लिए आपको सारी वीडियोज़ पहले देखना पड़ेंगी। तो देखिए, फ़िलहाल कुछ जो है ये अप गया है थोड़ा सा, और इसको जो है आगे अगर हम देखें, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मैंने मार्किंग करी हुई है अपने ट्रेड की, तो ये देखिए ऑल टाइम हाई। मार्केट कई बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है, तो अभी भी मुझे उम्मीद है कि फिर से एक बार थोड़ा रिजेक्शन मार्केट यहाँ से लेगी, इसको क्रॉस करना इजी नहीं है। तो इस पॉइंट से फिलहाल मेरा टारगेट जो है ग्रीन जोन है, वो मेरा टारगेट है। तो मार्केट इस पर आएगी, थोड़ा सा आपको वेट चाहिए और साइकोलॉजी आपकी अच्छी होना चाहिए। आपको लॉस देखने के बाद भी आपके दिमाग में आपको पैनिक नहीं होना है, सेल नहीं करना है ट्रेड को, क्योंकि आपको अगर आपने सही ट्रेड सेटअप लगाया है तो आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, आपके रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, और कुछ ट्रेड मेरा जो है माइनस से 30 मिनट के कैंडल टाइम पे हम देखते हैं तो ये बियरिश कैंडल एक बन रही है बड़ी सी, तो ये अच्छी बात है, अच्छा सिग्नल है हमारे लिए। और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी रिजेक्शन मिल चुका है, ऊपर से कैंडल क्लोज हो चुकी है। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं इसको हम, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी बियरिश कैंडल है, तो इसका मतलब सारी चीज़ें हमारी सही हैं। फिलहाल ये ट्रेड हमारी प्लस में आ जानी चाहिए, बस मुझे ये डाउट है कि नेटवर्क का कोई इशू ना हो जाए अगर ये ट्रेड पॉजिटिव में है। लेट्स होप, देखते हैं क्या है। और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे दिक्कत होती है ट्रेड करने में।
ये गाइस, तो अभी इसको देखते हैं क्या होने वाला है इसके अंदर। कैंडल पे नज़र है मेरी और टाइमिंग चल रही है, देखिए 5 मिनट के चार्ट पे मैं इसको कर रहा हूँ। और ये ट्रेड, ये देखिए, ये रेट से चलते रहना चाहिए, बट ये नेटवर्क का इतना इशू है कि रेट आपके एक जगह पे स्टिक होके रह गए, तो मुझे उसके लिए बार बार ऐप को रिफ्रेश करना पड़ता है। और मोबाइल डिवाइस में बहुत दिक्कत होती है ट्रेड करने में, लैपटॉप हो तो बेटर। देखिए मैं प्लस में आया हूँ यहाँ पे, ये हमारी प्लस की ट्रेड आ गई 349 प्लस। ये सडन सडन जंप होती है ट्रेड के अंदर, तो नेटवर्क अगर अच्छा रहे तो आपको ये रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सिर्फ ट्रैवलिंग की वजह से मैं इतना फंस गया हूँ इसके अंदर, अदरवाइज मैं इसमें वेट करूंगा कि अभी ट्रेड में क्या आने वाला है। सिग्नल हमारे पॉजिटिव है, ट्रेड नीचे आएगी हमारी, मार्केट गिरेगी और हमारी जो क्वांटिटी है अराउंड हमें 30-40 पॉइंट्स इजीली दे जाएगी। तो यहाँ देखिए, ये देखिए कैंडल बनना स्टार्ट हुई और बहुत तेज इसके अंदर मूवमेंट होता है। ये हमारे टारगेट की आधी आ गई है और ये देखिए ये कितनी स्पीड से ये बढ़ गया। मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है। मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया है और देखिए कट करते करते भी 1100 से 916 पे आ गया है, क्योंकि रेट एकदम फ्लक्चुएट हो जाते हैं इसके अंदर, तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। तो ऑलरेडी हमने 916 का प्रॉफिट ले लिया है इसके अंदर, सिंगल लॉट के अंदर। और ये देखिए मैं आपको बाय ऑर्डर भी अपना दिखा देता हूँ, अगर आपको प्रॉपर मैं इसमें दिखाऊं पोजीशंस में जाके, तो ये बाय ऑर्डर में डिटेल्स आ जाएंगी। देखिए 276.40 का बाय है, 313 पे सेल है, 6910 की परचेज, 7826 की, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब इसके अंदर चार्जेस वार्जेस ये सब चीज़ें कटती हैं, तो अराउंड 50-60 रुपीज़ और डिडक्शन होगा। तो मैं आगे आपको ये दिखा देता हूँ कि देखिए, हालांकि मेरा टारगेट एकदम हिट होने वाला है और अराउंड हमारी जो मार्किंग थी, ये नीचे का सपोर्ट मैंने ब्लैक लाइन से मार्क किया है, तो मार्केट का मुझे ये टारगेट मिलना था। और देखिए मुझे कितने पॉइंट मिलते हैं अगर मैं यहाँ तक होल्ड करता, 341, और मैंने सेल किया 313 पे, तो ये हमें और मिलेगा अभी। पर ये है कि नेटवर्क पे लिए हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर मैं कहीं और होता, कहीं सेटल जगह पे बैठा होता, तो मैं यहाँ तक अपने ट्रेड को होल्ड करता और इसके बाद मैं यहाँ से अब एग्जिट कर देता, क्योंकि हमारे जब फर्स्ट टारगेट रीच होता है हम यहाँ तो स्टॉप लॉस लगा देते हैं, मार्केट अगर रिवर्स करेगी तो हमारा प्रॉफिट भी सेफ हो जाएगा। तो ये देखिए 367 तक इसका चला गया है अभी बार फिलहाल, इस ट्रेड का जो मैंने ली थी 44,000 की पुट, और करीबन अगर हम यहाँ तक इसे होल्ड करते तो पूरे 100 पॉइंट्स मिलते और हमारा प्रॉफिट होता 2500 प्लस। बट इसको होल्ड करना पॉसिबल नहीं था नेटवर्क की वजह से, और यही चीज़ है इसके अंदर आपको आगे